तो जैसा कि आज की डेट में आपने देखा है, आज भी अपने मार्केट में, इंडियन मार्केट में रैली रही है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। खास करके आपके बैंक और आपका निफ्टी, इन्होंने आपकी तरफ मूव किया है। तो अब यहां पर सवाल ये उठता है कि आखिर में ये रैली इंडिया की क्यों ऐसी हो रही है, वो कहीं ना कहीं माथे पर पेशानी तो डाली रही है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट के सिनेरियो अच्छे नहीं रहे हैं। जब चल अकेला हो जाता है तो कहीं ना कहीं चिंता का सबब रहता है। और आपको याद होगा कि हमने बताया था आपको एक बार विश्लेषण में कि गवर्नमेंट कभी भी इस समय मार्केट को गिरने नहीं देगी। इसलिए नहीं गिरने देगी कि गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी कि उसके वोटर्स का सेंटिमेंट खराब हो। और आपको पता है मार्केट भी किस पे चलती है? सेंटिमेंट पे चलती है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आज का जो सब्जेक्ट है उस पर हम कर लेते हैं चर्चा। और ये मैं क्यों बोल रहा हूँ वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है प्री इलेक्शन रैली, सजा या मजा। आपको पता है ये प्री इलेक्शन रैली, जो जानकार आदमी है वो प्री इलेक्शन रैली ही इसको बोलेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, अभी प्रशासन को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता है। कोई भी एएमसी है वो कभी भी सेबी को या एमपी को चैलेंज नहीं कर सकती है। उनके गाइडलाइंस को, उनके रूल्स को मानना ही पड़ेगा। अब वहां पर इन्वेस्टर्स का कलेजा वो है कि इन्वेस्टर्स उस समय क्या स्टेप लेते हैं। मैं ये भी बताऊंगा कि इस समय हम स्टेप क्या ले रहे हैं, वो भी चीज़ें हम आपको बताने की कोशिश आज जरूर करेंगे। और वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि अभी देखिए, जो अनुभवहीन इन्वेस्टर हैं, जो कि खाली टिप देने वाले हैं, वो आपको जरूर बोलेंगे कि सेबी और एमपी ने बहुत गलत किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भी अपना पैसा कहीं ना कहीं, उनको एक्सपीरियंस था नहीं, उन्होंने एज के मुताबिक जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो नहीं कराया है। ध्यान से सुनिएगा, उसको फॉलो नहीं कराया है। उनका खुद का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है ज्यादा? स्मॉल कैप और मिड कैप में है। जबकि आपको, हमने जो हमारे जुगानी टॉक्स के सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, उनको मैं इस तनाव से मुक्त करने के लिए आपको, हमने नंबर एक का फार्मूला क्या बताया हुआ था, 100 माइनस एज आपका क्या होगा, ये इक्विटी का पोर्शन होगा नंबर एक, ठीक है। आपका ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि आपने सारा का सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया है तो आपको टेंशन तो आनी है। नंबर एक, लोगों को आप देखिएगा, आज की डेट में मुझे मंद मुस्कुराहट आ रही है। मैं जब भी लोगों का थंबनेल देखता हूं, इसीलिए मैं थंबनेल वगैरह कुछ भी नहीं डालता, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ टाइम है एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी है। क्यों? क्योंकि फालतू का अट्रैक्शन क्यों बनाना है? आपके कंटेंट में दम होगा, आपकी बातों में दम होगा, आपके उसमें लॉजिक होगा, आपका अगर परखा हुआ पैक्ट है तो फिर क्या जरूरत है? आपका फेस तो दिख रहा है ना। चलिए ठीक है, अभी उस पर हम विश्लेषण नहीं कर रहे, बहुत ही अहम मुद्दे पर कर रहे हैं। तो 100 माइनस एज का फॉर्मूला किसका होगा? इक्विटी का होगा। उसके बाद में भी सेम परसेंटेज वाइज निकाल करके, जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि यस, मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप में आपका ये एलोकेशन होना चाहिए। बोलिए, हमने बताया है कि नहीं बताया आपको? अगर जिसने इन चीजों को फॉलो किया हुआ है, आज उनके चेहरे पर पक्का मुस्कान होगी। क्यों? इसके साथ साथ मैंने आपको 2008 से 18 का स्मॉल कैप का 10 साल का वो बताया है, और 2018 से लेकर के 24 का रोलिंग रिटर्न भी मैंने आपको बताया है। अब वो ढूंढना और देखना आपका काम है, नहीं तो चर्चा चलती रहेगी, उस पर तो बात आएगी। तो इन चीजों का जिसने आज प्रकाशन लिया है, तो जो रो रहे हैं उनका रोना लाजमी नहीं है, आउटफ्लो तो होना ही होना था, और वो आउटफ्लो होगा ही होगा। वो आउटफ्लो आपका भाग करके कहीं पर नहीं गया है, वो कहां गया है आउटफ्लो होकर के? वो आउटफ्लो होकर के स्मॉल कैप से क्या किया है, आपके फंड मैनेजर्स ने भी उसकी चर्निंग करी है, इन्वेस्टर्स ने कम से कम पैसा निकाला है। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, इक्विटी से 2021 के बाद में सबसे कम निकासी इस समय हुई है। जो भी ये बोल रहा है स्मॉल कैप क्यों, अरे भाई सीधी सी बात है, जब उनको एक टाइम लाइन दे दिया गया, उनका स्ट्रेस टेस्ट करवा लिया गया, तो जाहिर सी बात है कि आपके फंड मैनेजर उस समय उस चंक को उठा करके वहां पर जाएंगे। अब नौसिखिए हैं जो ये पटर पटर कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पैसा एक तो उठा करके मिड कैप और स्मॉल कैप में लगा, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, बट ये बात फैक्ट है कि उसको सोचने वाली बात है लॉजिक के साथ, ठीक है ना। तो ये हमने आपको क्लियर कर दिया कि इसमें कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अब रही बात कि इस समय आप स्ट्रैटेजी क्या अपनाएं, पहले तो उस पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बात कहीं यहां वहां जाने से पहले आपको स्ट्रैटेजी हो जानी चाहिए। देखिए, आपको मैं एक बात बता दूं कि ये भी बात मैंने आप लोगों को क्लियर किया था, जो मेरे कंटिन्यूअस व्यूअर हैं उनको पता है, उस समय मैंने क्या बोला था, इस समय
जब लोग स्मॉल कैप और मिड कैप चिल्ला रहे हैं तो उसमें आप सिर्फ और सिर्फ SIP का सहारा लें, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो, इस पर मैं आऊंगा, कि आपकी मार्केट जो ओवर वैल्यूड दिख रही है उसमें आपका प्रॉफिट होने में ज्यादा टाइम ना लग जाए। आपका एम क्या होता है, कम समय में ज्यादा प्रॉफिट अपना दिखाना, अपने पोर्टफोलियो में आपकी जो कॉस्ट वैल्यू होती है वो कम हो और नोशनल प्रॉफिट आपका ज्यादा से ज्यादा हो, वो एम होना चाहिए। वो आपको चंद लोग ही इन चीजों को बताएंगे जिन्होंने प्रॉपर तरीके से उसको खुद कर रहा हो, क्योंकि सबसे पहले बोलते हैं ना कि आप पहले खुद करो तब उसके बाद में दूसरे को बताओ, ठीक है ना। अब आज की डेट में आप देखिए कि मेरा जो एलोकेशन है, जब लोग उधर की तरफ भागते हैं तो मैं उस समय फ्लेक्सी कैप लार्ज कैप की तरफ मैं बुलिश था, जो भी मैं अपना लमसम कर रहा था उस तरफ कर रहा था। मेरे को पता था कि ये जो इंडाइसेस हैं ये आज के टाइम पर लोगों की निगाह से परे हैं। मैं क्यों आपको IT का छोटा सा हिंट देता हूं कि छोटा छोटा आपको IT में एलोकेट करना है, क्योंकि IT इस समय लोग नाम नहीं ले रहे हैं। जब IT रैली पकड़ेगी ना, जब अमेरिका में आपका फ्लो किसका फ्लो हो जाएगा, लिक्विडिटी आपकी हो जाएगी, जब आपको मनी का फ्लो आ जाएगा तो आपको पक्का है नजदाक चलेगा। नजदाक चलेगा तो उसके बाद में सबसे ज्यादा किसको फर्क पड़ेगा, अरे IT का हब आपका बंगलोर की एक सिटी ही है। तो आप बताइए कि इंफोसिस जैसी कंपनियां, TCS जैसी कंपनियां हमारे पास हैं, विप्रो जैसी कंपनियां हमारे पास हैं, तो फिर ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सारा का सारा आप डाल दो, लेकिन आपको कम से कम एक चछु तो खोलना ही चाहिए। ये कोई भी बताने के लिए नहीं आएगा, आपको हिंट ही दिया जाएगा, ठीक है ना। उस हिंट में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस होते हैं कि यस ये हैपन हो सकता है, बट हो सकता है थोड़ा सा टाइम ले ले तो आप लोगों के सामने भी हमने बुरा नहीं बनना है। तो इसीलिए आपको किसी भी थीमेटिक के लिए आपको 1/10 की ही सलाह दी जाती है, जिसमें आप अपने टोटल निवेश का 1/5 IT की तरफ बुलिश हो जाए। दूसरा, आज के टाइम पर एक सेक्टर बहुत बुरी तरीके से चलने वाला, वो एनर्जी का सेक्टर है, क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी। एनर्जी के बिना कोई भी इक्विपमेंट के चार्ज होता है क्या, सीधी और सिंपल सी बात है। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट चलता है क्या, कोई भी मशीनरी चलती है क्या, एनर्जी तो उसके लिए चाहिए। तो एनर्जी सेक्टर को हमने इग्नोर नहीं करना चाहिए, और ऐसे ही हमें IT सेक्टर को आज के टाइम पर इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये बात मैंने बताई थी। चलिए ये भी बात अब हो गई, खत्म करते हैं। अब हम आते हैं कि आपकी स्ट्रैटेजी इस समय क्या होनी चाहिए। देखो भाई, मैं तो इस समय जब लोग इससे पैनिक होकर के भाग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि अभी के टाइम पर मेरा जो एलोकेशन होगा, मान लिया जिस फंड ने ये कर दिया है कि भाई मैं लमसम के अलावा दूसरा नहीं लूंगा, ना मैं STP लूंगा ना ही मैं लमसम लूंगा, तो वहां पर हमारी मजबूरी हो गई है। लेकिन दूसरे फंड को सेलेक्ट करते समय हम उस चीज को जरूर ध्यान देंगे, सेबी के डायरेक्शन के अलावे नहीं, क्या इस फंड का डाउनसाइड प्रोटेक्शन रहा है, क्योंकि मामला किसका है, स्मॉल कैप और मिड कैप का है, जिसमें रिस्क सबसे ज्यादा होता है, ये बात आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो उस एलोकेशन में मैं जाने से पहले, सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि भाई मैं डाउनसाइड प्रोटेक्शन वाले फंड को चूज करूंगा जो कि मेरे पास ऑलरेडी हैं। उस फंड्स में मैं जो भी फंड अलाउ करेगा लमसम को, वहां पर थोड़ा सा मैं एलोकेशन ज्यादा बढ़ाऊंगा। दूसरा क्या करूंगा, फ्लेक्सी कैप जो हमारा फंड है या ऐसा फंड है जिसमें हमारे फंड मैनेजर के पास ऑप्शन है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और आपके स्मॉल कैप में एलोकेशन कर सकें, तो आपका फंड मैनेजर इतना बेवकूफ नहीं है, वो इस समय मिड कैप और स्मॉल कैप का अपने फंड में एलोकेशन को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है ना। बाकी आपके पास लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप तो है ही है, लेकिन क्या है कि वहां पर मैं क्या करूंगा, रेशियो थोड़ा सा डाउन कर दूंगा। मेरा अभी के टाइम पर पहले क्या था, ऐसा नहीं है कि लमसम कुछ थोड़ा बहुत इसमें भी करता था, लेकिन जहां पर मान लिया मुझे अगर उस समय मेरी जो स्ट्रैटेजी थी, मेरा अगर फ्लेक्सी कैप में 10,000 जा रहा है तो मेरा इसमें किसमें जाता था, स्मॉल कैप और इसमें 1,000, 1,100, 1,200 या ज्यादा 2,100 कभी अगर गिरावट हो गई, तो जब ये वाली फरवरी मार्च वाली आई है तब मैं उसके बाद में बुलिश हुआ था किस पे, स्मॉल कैप और मिड कैप पे, नहीं तो मेरी स्ट्रैटेजी यही थी। अब मैं आने वाले समय पर किसी की भी नहीं सुनूंगा, चाहे वो इनफ्लो हो चाहे आउटफ्लो हो, क्योंकि मुझे अपने विवेक से चलना है, मेरा अपना पैसा है, मुझे मालूम है कि मेरा ग्रोथ कहां पर होने की संभावना है, जहां से लोग जब भाग रहे होंगे मैं वहां पर ही पोजीशन बनाऊंगा, यही तो इक्विटी है, यही तो मार्केट है। अब कचरा तो लूंगा नहीं,
मेन बात क्या होती है, जो डायरेक्ट लेते हैं ना अपने शेयर से लेते हैं, वो क्या करते हैं पेनी स्टॉक्स ले लेते हैं। पेनी स्टॉक्स लेने का मतलब क्या होता है, उनको लोग क्या बोलते हैं, उनको टिप दे देते हैं ये मल्टी बैगर है। मल्टी बैगर आपका फंड मैनेजर कभी भी मल्टी बैगर नहीं ढूंढेगा, ये आप देख लीजिएगा, क्योंकि उसकी जवाबदेही है, उसको भी अपने फंड की परफॉर्मेंस की चिंता है, उसको भी पता है कि यस आई एम गेटिंग पर मंथ पेमेंट फ्रॉम दिस फंड, किससे, जो हम टीआर दे रहे हैं। तो आप ये मान करके चलिए कि आपको उन सारी चीजों को फॉलो करना चाहिए जो आपका फंड मैनेजर फॉलो कर रहा है। अगर आप ऐसा करते हैं वहां पर क्या होगा, आपको अपने नाक कान और आंख ये तीनों चीजें खोल करके रखनी चाहिए, मुंह आपको अपना क्या करना चाहिए, बंद करके रखना चाहिए। सीधी सी बात है कि जो आपकी सारी इंद्रियां हैं उन इंद्रियों में से जो ज्यादा काम की इंद्रियां हैं उन्हीं को ही रखना है। मैं आप लोगों के अलावा उसके बाद में दिन भर किसी से नहीं करता, अपना स्टडी करता हूँ, अपना सोचता हूँ, अपना करता हूँ, तब आज की डेट में बिल्कुल चौड़ा होकर के बोलता हूँ यस किसी भी कंडीशन में हो, मेरा एलोकेशन इस टाइप का है, मेरा पोर्टफोलियो इस टाइप का है कि दस मेरे पास कोई भी चांसेस ही नहीं है मेरे हाइज भी लाभ सोने के। वही मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी, क्योंकि फंडामेंटली मेन बात क्या होती है ना, फंडामेंटल पर ही आपकी मार्केट चलती है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखिए दोस्तों, अब अगर आपको ये लगा, मार्केट को अपनी ये लगा कि नहीं ये ओवरवैल्यूड हो गई है, या प्राइस इसकी इसकी जो एक्चुअल रेट होना चाहिए उससे ज्यादा है, मीट नहीं कर पा रही, मींस क्या है कि इस काबिल वो शेयर्स नहीं है जो उनकी वैल्यू है, तो उसके बाद में उनकी धुनाई तो होनी होनी है, इसमें कोई भी दो राय नहीं। तो अगर आप एलोकेट कर देंगे तो कहीं पर भी कोई इतना बड़ा जब अगर आप निकालेंगे नहीं, जब तक आप सेल नहीं करेंगे तब तक आपका नुकसान तो है नहीं, ये आप भी जानते हो हम भी जानते हैं, लेकिन प्रॉफिट हो सकता है थोड़ा सा स्लो हो जाए, बट इस समय आपको सोच समझ करके करना है। तो उम्मीद करता हूं कि जैसे जो लोग आज रो रहे हैं ना, आप देखिएगा जो जो लोग रो रहे हैं, अब बोलिएगा भैया क्यों रो रहे हैं यार, अब तक तो आप बोल रहे थे कि बड़ा भारी ये है क्या नाम है, इसमें तो बहुत बड़ा बनेगा, ये बनेगा वो बनेगा, आज बोल रहे हैं सेबी और एमपी ने इसको कम करवा, नहीं किसी ने भी कम नहीं करवाया है, किसी ने भी कम नहीं करवाया है, लोगों ने जनहित के बारे में सोचा है, क्योंकि जनहित वहीं पर है जहां पर आम इन्वेस्टर्स का ध्यान रखा जाए, जहां पर भोले भाले मासूम लोगों का ख्याल रखा जाए, क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी का काम क्या होता है, वो खाली सिर्फ और सिर्फ एमसीज को डांटने के लिए, उनका ऑडिट करने के लिए नहीं होती हैं, वो हमारे आप जैसे अननोन बंदों को समझाने के लिए, सही राह दिखाने के लिए, अगर उन्हें कुछ कठोर कदम भी उठाना पड़ता है तो उसका हमें स्वागत करना चाहिए। सबसे पहले बात तो मैं ये बोलूँगा। दूसरी बात क्या है, अगर आप फंडामेंटल को नहीं छोड़ेंगे तो आप कभी भी देखिएगा कि उस समय आपका पेशेंस लूज नहीं होगा। ये बात आप भी मान रहे हैं और मेरे ख्याल से आप समझ भी रहे होंगे। इतने दिनों में आपने जितने मेरे वीडियोस को देखे होंगे उसमें पक्का आपने देखे होंगे मैक्स टू मैक्स की फोकस किस पे रहता है, फंडामेंटल पे रहता है। मैक्स टू मैक्स फोकस किस पे रहता है, आप लोगों को प्रोटेक्शन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा गेन दिलवाने का। ज़्यादा से ज़्यादा गेन तभी आप दिलवाएंगे जब आप सही टाइम पर बाय कर रहे हैं। SIP को चलने दीजिए, सही टाइम पर बाय करिए और उसको टाइम दीजिए, टाइम के मुताबिक अपना गोल सेट करिए। ये सारी चीजें फंडामेंटल्स की बातें हैं और ये चलती ही रहेंगी, और ये आपको, आप लोगों के लिए ढेर सारी जानकारियां मैं लाता रहूंगा और आपको नई नई जानकारियां पक्का उपलब्ध करवाता रहूंगा। किसके साथ, परत दर परत खोल करके आपके सामने रखता रहूंगा। ये परत दर परत खोलने वाली कहानी जो है ना, वो आपको अनुभव से ही आती है मेरे भाई। उम्मीद करता हूं आप लोग हमारे अनुभव की कद्र करेंगे और रिवार्ड जरूर करेंगे। रिवार्ड तो बनता है अगर आपको जानकारी अच्छी लगती है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, लाइक से सब्सक्राइब करें।